तो प्रश्न होगा, चलो गुरु में ईश्वर की भावना लगे रखे, लेकिन किसी गुरु में हम ईश्वर की भावना करें ऐसे गुरु खोजे कहां? आज कलयुग में तो सबसे बड़ा प्रश्न है। मुझे कल ही कोई पूछ रहा था गुरु बनाना है तो क्या करे, पॉइंट आया इसलिए कह दूं, इस कलयुग में गुरु कैसे बनाए, क्योंकि आज गुरु बनाया तो कल टीवी में आ गया कि ये तो जेल में है। सही बात है, इस कलयुग में डॉक्टर को पहचानना आसान है, सफेद कोट डिग्री को देखकर आप पहचान लोगे डॉक्टर। इंजीनियर को पहचानना आसान है, पुलिस को पहचानना आसान है, लेकिन गुरु को पहचानना बड़ा कठिन हो गया है। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, गुरु को शास्त्र की चक्षु से देखना और पहचानना होता है। और भक्तों, इसमें गुरु का दोष नहीं है, दोष हमारा है, हमारी परख में कमी है। हम अंधी दौड़ करते हैं, हम अंधश्रद्धा करते हैं, किसी को भी गुरु स्वीकार करने से पहले उनकी परीक्षा करो, उनको परखो। 5 रुपए की वस्तु खरीदने से पहले हम 50 बार सोचते हैं, और गुरु करने से पहले हम 1 बार भी नहीं सोचते कि ये किस संप्रदाय का, किस भाव, कौन से मूड, क्या कहां से आया, कहां जाएगा, क्या हमारे पूरे जीवन की जिम्मेदारी। गुरु बहुत बड़ी चीज होती है, गुरु को परखे। यदि आपके मन में है कि हम गुरु बनाए हैं, तो मैं आपको क्लू दे देता हूं, आप इस छोटी से वस्तु से आप में इतनी शक्ति तो आ जाएगी कि आप गुरु को परख सकते हो। शास्त्र के अनुसार इस घोर कलयुग में एटलीस्ट किसी गुरु में 5 गुण हो ना, तो उसे हम गुरु बना सकते हैं। लेकिन ये 5 में से भी एक यदि कम हो तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये बुद्धि प्रधान बात हो जाएगी, और हम भाव प्रधान में चल रहे थे। और मैं प्रमाण के साथ, शास्त्र गीता भागवत और रामायण के बाहर की कोई बात यहां से नहीं होगी। तो शास्त्र में लिखा है गुरु की प्रथम योग्यता, फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहली क्वालिफिकेशन कि वो गुरु अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए। 80% गुरु आउट। जैसे मैंने कहा, शिष्य भले गुरु को भगवान माने, लेकिन गुरु कभी भी अपने आप को भगवान स्वीकार नहीं। जिस दिन गुरु ने अपने आप को भगवान स्वीकार किया, उस दिन उनका गुरुत्व समाप्त। क्योंकि गुरु का काम क्या है, गुरु का काम संसार में भूले भटके जीवों को भगवान के साथ जोड़ना है। और गुरु भगवान को बाजू में कर दे और खुद भगवान बनकर बैठे, ये तो बहुत बड़ा पाखंड है भक्तों, ये तो बहुत बड़ी कायरता है। कभी कभी समाज में होता है ना, हम कुछ लोगों को कहते भाई हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढिएगा, और वो आदमी कोई अच्छा लड़का न ढूंढे और खुद ही उस बेटी के साथ शादी कर ले, तो समाज उसे पिटेगा कि और कुछ होगा? हाँ। गुरु ब्रह्म संबंध कराता है भगवान के साथ। ये पुष्टि संप्रदाय में सुना होगा, ब्रह्म संबंध या दीक्षा, जोड़ना, गुरु भगवान के साथ जोड़ने का काम होता है गुरु का, और खुद भगवान बनकर बैठे वह गुरु नहीं। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन याद रखिएगा कि गुरु वो है जो अपने आप को कभी भगवान न माने, ठीक है, याद रह गया। अब दूसरी योग्यता, गुरु वो है जो राम कृष्ण या विष्णु का भक्त है। शास्त्र प्रमाण, किबा विप्र किबा न्यासी केने शूद्र नहीं, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। गुरु वही हो सकता है जो राम कृष्ण और विष्णु का भक्त है, क्योंकि राम कृष्ण और विष्णु स्वरूप जो है नारायण कला शांता भजन्ति ही अनसूय वह, भजन करने लायक भगवान के ये 3 स्वरूप है, राम कृष्ण और विष्णु। तो गुरु की दूसरी क्वालिफिकेशन, वो राम कृष्ण या विष्णु का भक्त होना चाहिए। देखिए, हम किसी से भी प्रवचन सुने, आजकल तो टीवीओ में बहुत कुछ चलता है, किसी से एक सेंटेंस भी सुने ना, उसके पहले उसको परखे कि मैं मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूं। कभी कभी हम सोचते हैं ये तो वैसे ही कथा है, ये तो वैसे ही भागवत बोल रहे हैं, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है भक्तों।
मैं व्यास की भाषा में कहूं तो पद्म पुराण में व्यास मुनि ने लिखा, सर्प उच्चिष्ट यथा पय। जिस गुरु के जीवन में आचरण नहीं है ना, और वो भागवत के इसी सब्जेक्ट को यदि बोले तो वो दृष्टांत देते हैं कि दूध में बहुत कैल्शियम, बहुत विटामिन, बहुत गुण होते हैं दूध में, लेकिन उसी दूध को यदि सांप स्पर्श कर ले तो वो जहर बन जाता है। भागवत पवित्र है, जैसे दूध गुणवान है वैसे भागवत बहुत गुणवान है। ये शास्त्र बड़े पवित्र है, लेकिन इस शास्त्र को कोई अभक्त, कोई अयोग्य व्यक्ति स्पर्श करे तो वह जहर की तरह हो जाते हैं। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति से हम कुछ उपदेश, कुछ ज्ञान, कुछ शिक्षा सुने तो पहले परखे ये पांच चीज उनमें है। पहली चीज, वो अपने आप को भगवान न माने, क्योंकि जीव भगवान का दास है। दूसरी, कई बार कुछ लोग कहते ना शिवोहम सोहम, अब इसका अर्थ भी जानते हैं। शिवोहम माने शिव अहम, शिवोहम माने शिव अहम, माने जो शिव जो है ना, शिव जी अहम, वो मैं ही हूं, तू शिव है। शिव का काम है प्रलय करना, दुनिया का प्रलय छोड़, तू एक दो को तो मार के दिखा, जेल में बंद हो जाएगा। शिव हम नहीं है भक्तो, सो हम, सो माने वह भगवान अहम। उन लोगों का कहना है कि हम ऐसा बोलते रहेंगे ना, सो हम सो हम सो हम, भगवान हम ही है, भगवान हम ही है, तो एक दिन हम भी भगवान बन जाए क्या, खाक भगवान बनेंगे? तब तो मैं आज से ही शुरू करता हूं, करोड़पति अहम, करोड़पति अहम, तो एक दिन करोड़पति हो जाऊंगा। ये कोई प्रकृति नहीं है भक्तों, ये विकृति है, ये शास्त्रों का अपभ्रंश है। न तो हम शिवोहम है, न सोहम है, हम तो दासोहम है, हम तो दास है। तीसरी योग्यता गुरु की, कि एटलीस्ट उस गुरु की छह इंद्रिया कंट्रोल में होनी चाहिए, छह इंद्रिया कंट्रोल में हो। अब आप कहोगे प्रमाण, तो सुनिए, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वाद वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वात्मीपाम पृथ्वीम सशिष्यात। वही गुरु इस पृथ्वी पर शिष्य बनाने के लिए योग्य है जिसकी छह इंद्रिया कंट्रोल में है, वाणी, मन, क्रोध, जिह्वा, उदर और उपस्थ। छह इंद्रिया जिसकी, अब जिसकी वाणी कंट्रोल में नहीं, जो कुछ ना कुछ बकते रहता है, वो गुरु नहीं है। जिसका क्रोध कंट्रोल में नहीं, जो बात बात में क्रोध, कुछ लोग तो अपने गुरु की भी प्रशंसा कैसे करते हैं, हम हमारे गुरु के पास जाते हैं ना तो वो हम पर क्रोध करते हैं, हमको बाल्टी उठा के मारते हैं, हम समझते हैं हमको आशीर्वाद मिला, वो खाक आशीर्वाद है। वो किस दिशा में ये समाज जा रहा है? जैसे हमें हमारे भारत के लोगों में, खास करके गुजरात, राजस्थान, ये सब प्रांत में श्रद्धा भरपूर है भक्तों, लेकिन कुछ पाखंडियों ने जनता की श्रद्धा को गलत मार्ग पर लेकर चले गए हैं। तब जाकर भागवत के सत्य सिद्धांतों को लेकर हमें आना पड़ता है और उसे अवगत कराना पड़ता है कि ऐसे छोटे छोटे मार्ग में मत चले जाइएगा। ईश्वर ने बहुत बड़ा राजमार्ग तैयार किया है भक्तों, हमारे लिए बहुत बड़ा फ्री वे तैयार किया है भगवान ने सनातन धर्म का, उस सनातन धर्म पर चलिएगा। कई बार क्या होता है, कुछ लोग इस राजमार्ग पर नहीं चल सकते और छोटी छोटी केड़ियां बना लेते हैं और बस उस छोटी छोटी रास्ते पे हम लोग फंस जाते हैं और जीवन के उद्देश्य को चूक जाते हैं। इस राजमार्ग सनातन धर्म को समझिएगा और सनातन धर्म में सबसे पहले गुरु को ग्रहण करना होता है और उस गुरु की योग्यता मैं आपको बता रहा हूं। पहली योग्यता वो अपने आप को भगवान न माने, दूसरी योग्यता वो राम कृष्ण विष्णु का भक्त हो, तीसरी योग्यता उनकी छह इंद्रिया वाणी क्रोध मन जिह्वा उदर उपस्थ कंट्रोल में हो। तीन हुए,
अब जिसको आप गुरु बनाना चाहते हैं ना, उसकी चौथी योग्यता, वो जो बोलते हैं उसका पालन, उसका आचरण उनके स्वयं अपने जीवन में होना चाहिए। हैं, कलयुग में तो जब बोलने की बारी आती है ना, तो लगता है बस व्यास मुनि का शिष्य ही आ रहा है। लेकिन जीवन में आचरण की जब बात आए तो कोई आचरण नहीं। गुरु वो है जो आचरण से उपदेश देता है। भक्त तो एक सिद्धांत है। तो कहने का अर्थ, गुरु वो है जो जीवन में आचरण करे और फिर उपदेश करे। कितने हुए? चार। और फिर पांचवा, गुरु वो है जो चार संप्रदाय के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षित है। आपका ये सब क्या है? आप अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहते हो तो ऐसी यूनिवर्सिटी में भेजेंगे जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज है, कि फिर ऐसे आलतू फालतू किसी के घर पे छोड़ देंगे? है ना, गवर्नमेंट रिकग्नाइज कोई यूनिवर्सिटी में भेजेंगे? ठीक उसी प्रकार इस कलयुग में शिक्षा दीक्षा देने के लिए भगवान ने चार यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसे शास्त्रीय भाषा में संप्रदाय कहते हैं। चार संप्रदाय, वास्तव में देखे जाए तो ईश्वर के द्वारा बनाए गए मात्र चार संप्रदाय। पद्म पुराण व्यास मुनि ने लिखा, ओरिजिनल संप्रदाय, मूल मात्र चार संप्रदाय। इस चार संप्रदाय के अलावा जितने भी संप्रदाय हैं, ये कलयुग के मन और बुद्धि की उपज है। आज तो रोज नया दिन होता है, कहते हैं वहां दो संप्रदाय नए खुले हैं। ये कोई दुकान है कि कोई खोल देगा? ये भगवान के द्वारा बनाए गए संप्रदाय है। और वह चार मूल संप्रदाय, वैलिड संप्रदाय जिसे हम कह सकते हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय माने भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी से जो परंपरा चली उसे ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। शिव जी को ज्ञान दिया, शिव जी से जो परंपरा चली वह रुद्र संप्रदाय है। लक्ष्मी जी से परंपरा चली श्री संप्रदाय, और सनत कुमारों से परंपरा चली कुमार संप्रदाय। ये चारों संप्रदाय के कलयुग में वाइस चांसलर हुए ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य और कुमार संप्रदाय के निंबाकाचार्य, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य और रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी। तो इन परंपरा में कोई गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षित है, क्योंकि भक्तों गुरु शिष्य परंपरा में जिसका स्थान होता है ना, उसी का कनेक्शन भगवान से होता है और वो ही दूसरों का कनेक्शन भगवान से करा सकता है। तो ये परखना होगा। हम संसार की साधारण विद्या को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी क्लास ये वो परखते हैं, आत्मा का उद्धार करने के लिए इतने बड़े ज्ञान शिक्षा दीक्षा जब लेने जा रहे हैं तो क्या ये परखने की आवश्यकता नहीं है? आप कहोगे चलो बाकी सब ठीक है, हम आपका क्यों सुने? आपका स्थान कहां पर है? यदि किसी की जिज्ञासा हो तो हमारा स्थान ब्रह्म संप्रदाय में है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, फिर ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने वेदव्यास को दिया, वेदव्यास ने मध्वाचार्य को दिया, मध्वाचार्य ने अक्षोभ्य को दिया, अक्षोभ्य ने नरहरि, नरहरि ने माधव, राजेंद्र, विद्यानिधि, इस प्रकार से करते करते ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु से रूप, सनातन, जगन्नाथ बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर कृष्ण दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और इसी परंपरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य हुए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, और उन्हीं के शिष्य हुए राधा गोविंद गोस्वामी, और उनके शिष्य हुए हम। ये है परंपरा। तो इस प्रकार से खोजना होगा परंपरा से ज्ञान। परंपरा का अर्थ समझते हैं, यहां पर यह लाइट है, यहां केवल लाइट है, करंट यहां पर नहीं है, विद्युत बोर्ड करंट यहां से कई माइल दूर है, लेकिन ये लाइट और विद्युत बोर्ड के बीच में वायर का कनेक्शन है, है? और वायर का कनेक्शन होने के कारण विद्युत बोर्ड में जो करंट है वही करंट यहां पर है।
ये परंपरा जो है ना, जो करंट भगवान के पास है वही करंट परंपरा में उतरता है, उतना ही करंट ये वायर के समान है। इस करंट को पकड़ लिया, इस परंपरा को पकड़ लिया, तो आज नहीं तो कल ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि आपने पूछा इसलिए हमने आपको बताया गुरु की योग्यता। क्योंकि प्रहलाद महाराज गुरु शु ईश्वर भाव, ऐसे गुरु में ईश्वर की भावना करें। संसार के साधारण एक हमारा ही एक आदमी था, गया दिल्ली में, कहा गुरुदेव मेरा कुछ कीजिए, मेरा कुछ कीजिए, कुछ कृपा कीजिए। गुरु जी ने कहा कि कल से मेरा ध्यान करो, मेरे मंत्र का जाप करो, जा बच्चा तुझे वैकुंठ मिल जाएगा। वो जानता था गुरु जी तो खैनी खाते हैं, और गुरु जी का ध्यान में क्या करूं, वो खैनी खा रहे हैं ये ध्यान करूं, गांजा पी रहे हैं ये ध्यान करूं, आखिर गुरु जी का ध्यान करे तो क्या करे। गुरु जी ने कहा मेरा ध्यान करो, मेरा मंत्र जपो, तुम्हें वैकुंठ मिलेगा। तब वो जो लड़का था महाराष्ट्र से गया था, गुरु जी आज आपने मुझे प्रसन्न कर दिया, ये मैं पूरा महाराष्ट्र आपको दान में देकर जा रहा हूं, डोनेशन कर। गुरु जी ने कहा ये महाराष्ट्र क्या तेरे बाप का है, तू मुझे दान में देने बैठा है, ये महाराष्ट्र क्या तेरे बाप का है। तो वो आदमी बोला तो क्या वैकुंठ आपके बाप का है, मैं आपका ध्यान करूंगा और मैं वैकुंठ में पहुंचूंगा। वैकुंठ जाने के लिए तो वैकुंठाधिपति राम और विष्णु और कृष्ण का ध्यान करना चाहिए ना। सो कुल मिलाकर योग्य गुरु चुने और फिर उस गुरु में गुरु शु ईश्वर भावना।